हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स। तो आज हम फिर सीखेंगे बाजू की कटाई में हम फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे, पार्ट 2। पहले मैंने एक तरीका आपके साथ शेयर किया है, अब ये दूसरा है। आप देखेंगे इसमें मैंने कुछ उस तरह से ही बढ़ाए हैं फंदे जैसे मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा तरीका है, तो इस पे भी हमें देखिए फ्रेंड्स करना क्या है। कटिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप 1-4 इंच के बाद जब कटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको किस तरह से फंदा बढ़ाना है, ठीक है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे क्योंकि वो सीधा होता है, ऑलरेडी निटेड है तो स्लिप करेंगे। अब उसके बाद जो दूसरा फंदा है उसके नीचे वाला फंदा जो है, नीचे वाला ये वाला, इसको हम ऐसे सिलाई में लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। उसके साथ वाले को भी सीधा बनाएंगे और इस तरह से ये हमारा फंदा बढ़ गया। आगे हम प्लेन बना लेंगे जिस तरह से आपको बनाना है, आपका जो भी पैटर्न चल रहा है वही फॉलो अप करेंगे। एक इस एज पे आप फंदा बढ़ाएंगे, एक आप लास्ट के एज पे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरफ तो आइए मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और कॉर्नर से बताती हूँ कैसे होगा। अब हमारा कॉर्नर आ गया है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉर्नर है। कॉर्नर के दो फंदे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये दो फंदे, एक फंदे को सीधा बनाया, जो लास्ट का फंदा है उसके जो नीचे का फंदा ये वाला, इसे उठाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे ऐसे, और इसे भी सीधा। तो इसी तरह से आपने हर 5 से 6 सिलाई बाद अपना फंदा बढ़ाते हुए जाना है मुंडे की कटाई तक। तो ये बाजू मेरा कंप्लीट है फ्रेंड्स एक, और मैं अब आपको मुंडे की कटिंग सिखाऊंगी अगले वीडियो में। तो कुछ इस तरह से मुंडे की कटिंग होती है जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरह से कट आएगा फ्रेंड्स। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस तरह की स्मूथ मुंडे की कटिंग हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।